नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे जीए टेक्निकल में आने वाले कंप्यूटर सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, आज हम एक मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट के मैं 50 क्वेश्चन पहले लगा चुका हूं, तो उसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं 50 क्वेश्चन और लगाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन थे वो आपके डीबीएमएस मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पर थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दिया, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन जाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 51। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपके 50 क्वेश्चन तक इसकी पहली वीडियो में लगा चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द कॉस्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग टेम्पररी फाइल्स व्हाइल एग्रीगेटिंग ए क्वेरी कैन बी रिड्यूस्ड व्हाई। ऑप्शन बी होगा इसका पाइपलाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 52, ए ट्रांजेक्शन इज एन स्पेस स्टेट आफ्टर ए फाइनल स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो ऑप्शन इसका सही होगा सी, कमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका 53, इन मल्टीपल लिनियरिटी ए लॉग्स 6 लॉग्स इज कंपेटेबल विद। तो आंसर होगा बी इज आई एस, उसका वो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54, द स्टेटमेंट दैट द एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज एन साइड इफेक्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ ए डाटाबेस इज। तो आंसर होगा इसका डी, ट्रिगर। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, द नॉर्मल फॉर्म दैट नॉट नेसेसरीली डिपेंडेंसी प्री सर्विंग इज। आंसर होगा इसकी 2NF। क्वेश्चन नंबर 56, द फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ द फॉर्म एक्स वाई इज ट्राइवियल इफ। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, द नॉर्मलाइजेशन वाज फर्स्ट प्रपोज वाई। तो इसके द्वारा ऑप्शन बी कॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, द डिविजन ऑपरेटर्स डिवाइड एज ए डिवाइडेड ए ऑफ डिग्री एम प्लस एन वाई ए डिवाइजर डिवीजन वी ऑफ डिग्री एन एंड प्रोड्यूस वाई रिजल्ट ए ऑफ डिग्री। तो डिग्री का रिजल्ट क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा एन। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज करेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेशन डाटाबेस मॉडल। तो आंसर होगा इसका बी, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। 60, एज्यूम ट्रांजेक्शन ए होल्ड इज शेयर्ड लॉक आर इफ द ट्रांजेक्शन बी ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर ए शेयर्ड लॉक ऑन आर। आंसर होगा इसका सी, इट विल इमीडिएटली बी ग्रांटेड। क्वेश्चन नंबर 61, इन ईआर डायग्राम टोटल पार्टिसिपेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई और डबल लाइंस। आंसर ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62, द एफडी ए इज इक्वल टू बी डीबी इंप्लाइज। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, डी ए इंप्लाइज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वेरी इज। आंसर होगा इसका सी, क्वेरी ट्री। क्वेश्चन नंबर 64, यूनियन ऑपरेटर इज। तो यूनियन ऑपरेटर होता है आपका ऑप्शन सी, बाइनरी ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 65, लेसन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ईआर मॉडल विल ऑलवेज बी। आंसर ए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 66, मैनेजर सैलरी डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम द एम्प्लॉय, दिस इज कंसेप्चुअल लेवल डाटा हाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर के लिए क्या ट्रू है, तो ऑप्शन ए, इट इज ए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 68, विच टू फाइल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ डीबीएमएस। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, डाटा डिक्शनरी एंड ट्रांजेक्शन लॉग। क्वेश्चन नंबर 69, ए लिस्ट कंसिस्ट ऑफ लास्ट नेम्स फर्स्ट नेम एड्रेस एंड पिन कोड्स इफ ऑल पीपल इन द लिस्ट हैव द सेम लास्ट नेम एंड सेम पिन कोड ए यूजफुल की वुड बी। आंसर होगा सी, द कंपाउंड की फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। क्वेश्चन नंबर 17, इन वी ट्री द नंबर ऑफ कीज इन ईच नोड इज स्पेस देन द नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन। तो आंसर होगा इसका 1 लेस। क्वेश्चन नंबर 71, द ड्रॉबैक ऑफ ए शैडो पेजिंग टेक्निक्स आर। तो आंसर इसका डी, ऑल ऑफ एबव, मतलब कमिट ओवरहेड भी होगा, डाटा फॉर्मेंटेशन होगा और गार्बेज कलेक्शन भी। क्वेश्चन नंबर 72, विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एक्वेरिंग फॉर नॉर्मल रिलेशन डाटाबेस डिजाइन। आंसर होगा डी इसका, 3NF। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स परमिट्स रिलोकेशन विदाउट एनी चेंज ओवर इन द कोड।
आंसर होगा बी इंडेक्स एड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 74, इन ए मल्टी यूजर डाटाबेस इफ टू यूजर्स विश टू अपडेट द सेम रिकॉर्ड एट द सेम टाइम दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो व्हाई, तो आंसर होगा आपका डी रिकॉर्ड लॉक। क्वेश्चन नंबर 75, द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर तो आंसर होगा सी एंटिटी इंस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एलजेब्रिक ऑपरेशन इज नॉट फ्रॉम सेट थ्योरी, आंसर डी सेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर द ऑटोमेसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, आंसर ए ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑफ डीएबी डीबीएमएस। क्वेश्चन नंबर 78, इफ बोथ ऑफ द फंक्शन डिपेंडेंसीज एक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन एक्स होल्ड ऑफ टू एट्रीब्यूट एक्स एंड वाई देन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट विल बी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो रिप्रेजेंटली ऑब्टेन ए फॉर ऑपरेशन ए वी एंड ए वी आर द बेस यूनियन कॉम्पेटिबल एंड ऑल ऑफ रो ऑफ आर कॉमन टू बी, एज्यूम ए has 4 columns and 10 row, B has 4 columns and 15 rows, तो आंसर होगा इसका A 4.0। क्वेश्चन नंबर 80, फॉर करेक्ट बिहेवियर ड्यूरिंग रिकवरी अंडो एंड रीडो ऑपरेशन मस्ट बी, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन नॉर्मलाइज्ड डाटाबेस, तो आंसर होगा इसका डी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिलेशन कैलकुलस, आंसर उसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 83, रिलेशनशिप अमोंग रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ईआर मॉडल यूजिंग, तो एग्रीगेशन ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 85, इज टपल रिलेशनशिप कैलकुलस P1 एंड P2 इज इक्विवेलेंट टू, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86, इफ अल्फा रिलेशन बी होल्ड देन सो डस, आंसर होगा इसका गामा अल्फा रिलेशन गामा बीटा। क्वेश्चन नंबर 87, कैस्केडिंग रोल बैक इज अवॉइडेड इन ऑल प्रोटोकॉल एक्सेप्ट, तो आंसर उसका डी वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। आंसर नंबर 88, वेट फॉर ग्राफ इज यूज्ड फॉर, आंसर उसका डी डेडलॉक डिटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 89, द एक्सप्रेशन फाइ थीटा 1 ई 1 ई 2 इज द सेम एज, तो आंसर होगा इसका ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, द क्लॉज अल्टर प्रीवियस एसक्यूएल कैन बी यूज्ड इन, आंसर उसका डी ऑल ऑफ एम। क्वेश्चन नंबर 91, द डाटा मॉडल्स डिफाइंड इन ए एन एस आई एस पी आर सी आर्किटेक्चर आर, ऑप्शन डी लॉजिकल फिजिकल एंड व्यू। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन एवर टू इंडिपेंडेंट वन और टू मैन रिलेशनशिप आर मिक्स इन द सेम रिलेशन ए स्पेस एराइज, तो आंसर उसका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 93, ए टेबल कैन बी हैव ओनली वन प्राइमरी की, आंसर डी इसका सही है। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन इज नॉट गारंटेड इन, आंसर ए वीसीएनएफ। क्वेश्चन नंबर 95, विच इज द बेस्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन डाटा इज फ्रीक्वेंटली एडिट एंड डिलीटेड फ्रॉम ए फाइल, तो आंसर होगा इसका वी डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशन डाटा, आंसर होगा सी इसका रिलेशन एलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 97, एन एडवांटेज ऑफ व्यू इज, आंसर होगा डाटा सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकवरी टेक्निक्स, तो आंसर सी इसका टू फेस कमिट। क्वेश्चन नंबर 99, आइसोलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज इश्योर्ड बाय, ऑप्शन सी इसका सही है, कॉन्करेंसी कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 100, स्पेस ऑपरेटर यूज टू कंपेयर वैल्यू ऑफ लिस्ट ऑफ लिटरल्स वैल्यू दैट हैव बीन स्पेसिफाइड, ऑप्शन ए सही है लाइक। तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन, और दोस्तों इसके ऊपर 50 क्वेश्चन की वीडियो पहले बना चुका हूं, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, करना आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन करना हार्ड है तो आप इसे देख सकते हैं, अगर इसकी आपकी पीडीएफ की जरूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।